So, अभी कौन सा कैमरा में आपको फाइनली पहुंच चुके अपन। सो टुडे इज अ रियली रियली स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू बोरा बाजार। So, Bora Bazaar, because we are going to upgrade the camera. So, अभी कौन सा कैमरा मैं आपको शॉप में बताऊंगा टू आज द बैक जोन शॉप, पर आपको तो टाइटल थंबनेल में पता चल ही गया रहेगा मैंने कैमरा अपग्रेड कर दिया गाइस। सो आज होने वाला अपग्रेड आफ्टर फाइनली सो लॉन्ग। सो चलिए टू आज द Bora Bazaar एंड इन टूडेज वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू बी अलोन, सो इट्स गोइंग टू बी विथ मी The one and only our alas जो फोटोग्राफी का अपना नॉलेज है और उसके साथ एक और चीज हुआ है तो अपने साथ गिरगुल भी आया जो अलास का ब्रदर है। सो सोना में सुगागा हो गया। So as you saw, Alas also is going to come with me. So now he will show you some of the road scene. So stay tuned, guys. Be in the vlog, guys. पहुंच चुके अपन Bora Bazaar। आपको थोड़ा सा खाली खाली लग रहा होगा बिकॉज टुडे संडे और यूजुअली संडे को सब शॉप्स इधर क्लोज रहते और पार्किंग भी हमको इजीली मिल गया इधर Bora Bazaar में। अगर आप सपोज लाइक मंडे टू सैटरडे आते हो तो थोड़ा मतलब कि पार्किंग मिलना मुश्किल है। टू व्हीलर्स का मिल सकता है बट फोर व्हीलर्स का थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इट एन ईजी अगर आपको आना है कुछ कैमरा नेसेसरीज का कुछ परचेस करने के लिए तो बैक जोन उनमें से एक शॉप है जो एवरी संडे खुलता है। हम लोग बैक जोन तो गए थे बट द प्रॉब्लम हुआ था क्या अलग थोड़ा बता दे क्या प्रॉब्लम हुआ था। जो लेने गए थे वो अवेलेबल नहीं था प्रोडक्ट, तो अभी कल या परसों आने बोला है। हाँ लेट्स सी। सो ये वाला व्लॉग है ना मतलब कि मैं अभी एंड नहीं करना वो थोड़ा सा आज क्या हो गया थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ। उसकी वजह से थोड़ा हम लोग को डबल इतना दूर से आना पड़ा। अभी कल परसों में आ जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ ये ब्लॉग आज एंड नहीं करने वाला, एक कंटिन्यूशन होगा टू वॉच स्टिल द गेटिंग द प्रोडक्ट। तो आप ब्लॉग में रहिए गाइस। सो अगर आप आ रहे हो इनकेस इन ऑन संडेज देन जब आप एक बार कंफर्म कीजिए कि एक बार प्रोडक्ट है कि नहीं अवेलेबल, बिकॉज अगर आप दूसरे शॉप्स में भी ट्राई करोगे तो ऑल द शॉप्स रिमेन्स क्लोज ऑन संडे। तो इसलिए मंडे टू सैटरडे तो ओपन रहेगा। कंटिन्यूएशन ऑफ द व्लॉग में फाइनली मैंने इधर रशीद भाई से कॉन्टैक्ट किया, द प्रोडक्ट हैज कम और बहुत कुछ नई चीज भी आने वाली है गाइस, वो व्लॉग में पता चलेगा गाइस, तो आपको व्लॉग में रहना पड़ेगा। सो वेरी वेरी एक्साइटेड गाइस। सो मतलब कि मैंने इसके लिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स वेट किया तब जाके मुझे बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे डाइसी सब कुछ हो गया। मैं आपको बैक जोन में बता दो क्या क्या डाइसी चीज़ें हुई है। सो आप व्लॉग में रहिए गाइस। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी Bora Bazaar में। तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे जैसे कि आप स्टार्ट करोगे ना वैसे वैसे स्लोली स्लोली आपको सब कैमरा के शॉप्स वगैरह दिखेंगे, एक रेस्टोरेंट भी है विच इज़ सेंट्रल। फिर उसके बाद आगे आगे जाते जाते इट्स लाइक रियली रियली गुड, जैसे कि देख रहे हो आजू सामने भी। तो बारिश में बहुत अच्छा भी लग रहा है बिकॉज थोड़ा सा अच्छा खासा लाइटिंग इफेक्ट भी है। सो एज यू कैन सी योर हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं टू वॉज दी Bora Bazaar। सो स्लोली स्लोली इन 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू मेक इट टू Bora Bazaar एज यू कैन सी।
दिस इज द शॉप विच वी आर गोइंग टू इंटर टू बोरा बाजार. फाइनली क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ बैक जोन बिकॉज अभी कभी मैं आता था तो अपना कुछ ना कुछ इश्यूज लेके आता था. आज मैं परचेस करने वाला कुछ ना कुछ चीज, सो आप भी मजे भी बताने वाले और मैं स्टोरीज भी बताता हूँ कुछ देर में. सो स्टेज हूँ, सो आई एम एट बैक जोन. सो अभी तक पहुंच चुके हैं हम लोग, जस्ट टेस्टिंग विद माई न्यू कैमरा दैट इज पॉकेट टू, DJI Osmo पॉकेट टू. फाइनली मैंने DJI Osmo पॉकेट टू लिया. So here I am testing it. Do let me know guys, how is the quality. So there are some friends who's from their vlogs. Thank you. आपने क्या लिया बताओ भाई? We are taking this GoPro Hero 8 और अपना रशीद भाई देखो कैमरा में पीछे का मॉल चलेगा. रशीद भाई पूरा बिजी मूड ऑन है भाई. रशीद भाई का करना पड़ेगा. रशीद भाई आई बोल दो, अभी फ्री हो गया भाई रशीद. चलो नंबर डालो. और अपने दोस्त लोग आए जो अपने सोनी का कैमरा परचेज कर रहे हैं. तो अरे नीलेश एक ही चाहिए हमको. सो आप लोगों को क्वालिटी कैसा आ रहा है डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में गाइस. Time to leave this place after अच्छा खासा purchase हो गया. Thank you Rashid भाई for the purchase. और अपने भाई लोग भी पुणे से. अभी इनका वीडियो तो Osmo पॉकेट में आएगा, मजा आ जाएगी. अभी देखो अभी 4K वाला वीडियो. वही अभी Osmo पॉकेट में भी मोबाइल से भी होगा ना, थोड़ा Osmo पॉकेट से भी दोनों. नहीं नहीं अभी सब लोग बोल देने के Osmo से ही चाहिए. Thank you Rashid भाई. वो स्टोरी पता तो बिकॉज अभी मैं थोड़ी देर पहले पूरा ऊपर अपना DJI Osmo पॉकेट 2 से ट्राई कर रहा था. आई होप आपको थोड़ा सा फुटेज अच्छा लगा रहेगा. सो अब बज चुके 3:30 और पीछे पूरा बोरा बाजार आ चुका है. अब मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने Osmo 2 पॉकेट मैंने अभी ये बैग में रख दिया. सो वापस मेरे को सीखना है कि कैसा शूट करना है एंड ऑल. आने वाले ब्लॉग्स में कुछ ही आने वाले ब्लॉग्स में आप देख ही लोगे गाइस. सो अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी शेयर करता हूँ. तो अभी स्टोरी ये है गाइस कि एक्चुअली मैं जैसा कि आपने मेरा भी थोड़ा ये वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग 2 हफ्ता पहले ये लेने आए थे Osmo 2, बट रशीद भाई के पास अवेलेबल नहीं था. फिर बाद में हमने पूरा डिस्कस किया, फिर वापस मैंने थोड़ा बजट बढ़ाया, फिर क्रिएटर कॉम्बो, फिर वापस कि GoPro Osmo पॉकेट को GoPro 9 Osmo पॉकेट, बिकॉज दोनों का रेंज ऑलमोस्ट सेम ही आना था. तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को डाइसी था कि GoPro इज़ द बेस्ट और Osmo पॉकेट इज़ द बेस्ट, बिकॉज मैं Osmo पॉकेट वाले उसमें डिसीजन में फिक्स होके गया था. बट ऐसा प्रॉब्लम हो गया, फिर बाद में मेरे को वापस GoPro वाले उसमें लालच आ गया था. उसके वजह से वापस डाइसी होते होते फिर मैंने सोचा कि नो अभी एक बार फिक्स कर ही लिया है तो क्रिएटर कॉम्बो ही ले लेंगे. तो शॉप वॉप से बाहर आ चुके हैं अपन. अभी अच्छा खासा अच्छा परचेस किया अभी, मतलब कि थोड़ा अभी आगे का व्लॉग जो भी होगा Osmo 2 में आएगा. अभी जो भी होगा व्लॉग वो आप व्लॉग में देख लीजिए गाइस. सो अपने साथ अंकल भी है जो ड्राइव कर रहे हैं. अंकल आप कितने साल से मुंबई में ड्राइव कर रहे हो? मतलब 25 साल हो गए अंकल. और अभी आपने तो मुंबई को ये डेवलप होते हुए तो देखा होगा ना. हाँ. अभी क्या चेंजेस लग रहे हैं अंकल आपको? बहुत चेंजेस हो गया है पहले से. अच्छा अच्छा बहुत चेंजेस. अभी तो मेट्रो का काम, अभी बारिशों में भी कुछ अलग है. बारिश अभी पहले और अभी में बहुत. अभी पहले आपको पहला वाला मुंबई अच्छा लगता है कि कौन सा वाला मुंबई अच्छा लगता है? अभी ये बदलते समय से अभी अच्छा लगता है. अच्छा पहला भी अलग ही मजा था लेकिन ये वाला भी अलग ही है. तो अंकल से अपने अच्छे से बात किया, उनका मुंबई का एक्सपीरियंस भी जाना. तो ऐसे ऐसे हम इंटरेस्टिंग लोगों से भी बात करते रहेंगे गाइस. सो दिस इज अनदर डे. सो जैसे कि आपने कल का फुटेज में देखा, हम टैक्सी वाले से बात की है, फिर थोड़ा बहुत अब हम थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस भी जाना था, हम लोग ने कैसा है, क्या कितने साल से आप टैक्सी ड्राइव करे एंड ऑल. सो उसके बाद फिर बाद में हम लोग वापस घर की तरफ आ गए थे. फिर उसके बाद ट्रैफिक इतनी थी गाइस कि 2-2.5 घंटा हमने 25 किलोमीटर 2-2.5 घंटा लग गए हम लोग कवर करने के लिए. फिर उसके बाद वापस एक कुछ डिनर प्लान था, फैमिली गेट टुगेदर था, तो उसके लिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाए. तो चलिए अभी मैं बताता हूँ मैंने कौन सा कैमरा लिया. कैमरा तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने
DJI Osmo Pocket 2 लिया, पर इसमें से कौन सा Pocket 2 है, क्योंकि उसमें दो आता है, दैट इज वन नॉर्मल वाला विच इज DJI Pocket 2 ओनली, एंड वन कम्स विद Pocket 2 क्रिएटर कॉम्बो विच इज दिस वन. सो एज यू कैन से दिस इज द DJI Osmo Pocket 2 क्रिएटर कॉम्बो. इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगा गाइस थोड़ी देर में. एंड इन दिस एंड विद दिस ऑल्सो आई परचेज दिस इज द वाटर प्रूफ केस विच यू हैव टू परचेज सेपरेटली. दिस इज द वाटर केस ऑफ DJI प्रोडक्ट. सो मैंने इधर ही बैग जोन से लिया रशीद भाई के पास से. सो एज यू ओपन द DJI का कवर, दिस इज क्रिएटर कॉम्बो. सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू ओपन दिस वे, सो द फर्स्ट थिंग विच यू गेट इट इज दिस वन द कैमरा, द मेन कैमरा विच इज दिस वन. सो मैं इसको अनरैप करता हूँ गाइस. सो जैसे कि देख रहे हो दिस इज द कैमरा. सो हम अब ऑन करने वाले द न्यू DJI प्रोडक्ट गाइस, देख लीजिए. और मेरे को बहुत कुछ सीखना भी इसके बारे में, तो मुझे वो YouTube वीडियो से देख देख के सीखूंगा. सो ये है, ये हो गया अपना ऑन कैमरा ऑन, और अब सब लाइव हो चुके गाइस. सो अब जो होगा फुटेज, इससे हम डायरेक्ट इससे स्विच करते हैं. सो जैसे कि देख रहे हो अब हम DJI Osmo Pocket 2 से ब्लॉग कर रहे हैं. सो आप क्लैरिटी भी आप मुझे बता दीजिए गाइस ये कैसा आ रहा है, ये पूरा रिवॉल्विंग शॉट्स. ये प्लीज इग्नोर दैट, अभी बारिश का मौसम है ना, थोड़ा सा इसलिए कपड़ा अंदर सुखाए हम लोग. सो ये पूरा 360 व्यूज के साथ, एक इंजॉयमेंट के साथ, और मेरा ऑडियो क्वालिटी कैसा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस. बिकॉज मैंने खाली ये जो व्लॉग हो रहा है, मतलब कि जो कैमरा से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, उसके अंदर चार इनबिल्ड माइक है. सो मैंने एक्स्ट्रा माइक लिया है, पर अभी मैं वो टेस्ट भी कर रहा हूँ कि कैसा ऑडियो क्वालिटी आ रहा है. सो आप भी उसके अनुसार आप अपना परचेस कर सकते हो. सो डू लेट मी नो गाइस कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसा लगा ऑफ दिस एंड वीडियो क्वालिटी ऑल्सो. और नए नए चीज सीखते रहेंगे और नए नए वीडियोज इसमें भी बनाते रहेंगे गाइस. सो और बता दे कि और मुझे इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज इसके अनबॉक्स के अंदर मिलता है आपको, अगर आप क्रिएटर कॉम्बो लेते हैं तो. एक और उसके बाद एक और बॉक्स मिलता है जिसमें आपको एक स्ट्रैप मिलता है जो आप पॉकेट में ऐसा इधर आई थिंक सो इधर पॉकेट कवर के साथ ऐसा लटका भी सकते हो. अनदर थिंग इज दैट कि मैं बताता हूँ कि उसके साथ आपको मिलता है चार्जर जो है डेटा केबल वाइज. अगर आपके पास कुछ नॉर्मल वाला टाइप से मतलब कि अडाप्टर रहता है ना वैसा होगा तो आप इजीली नॉर्मल चार्जिंग से भी कर सकते हो. एंड अनदर थिंग इज दैट आपको फिर एक और चीज़ मिलती है. सो एक और ये प्लास्टिक में अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या है. सो इन दिस यू विल गेट टू सी द डेड कैट, जैसे कि देख रहे हो बिल्ली के बाल द डेड कैट. साइड यू विल गेट टू सी थोड़ा सा मैनुअल, आपको अगर यूज़ करना तो मैनुअल भी पढ़ सकते हो. DJI के कुछ स्टिकर्स, फिर आपको माइक का ये कॉलर माइक इधर किधर आप अटैच कर सकते हो, माइक वगैरह ऐसा अटैच कर सकते हो आप. सो इधर से आपको डेड कैट का ये आवाज़ भी अच्छे से आ जाएगा. फिर ये वाला आपको वगैरह कुछ नॉर्मल ट्राईपोर्ट माउंट जैसा आता है ना वैसे ये नॉर्मल ट्राईपोर्ट माउंट ही आई थिंक सो, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, वो भी मैं वीडियो से देख लूँगा. फिर उसके बाद ये इसका ट्राईपोर्ट माउंट है आई थिंक सो. और एक और आपको एक और चीज़ बताता हूँ गाइस कि आपको अलग से मेमोरी कार्ड लेना पड़ता है, वो भी हाई एंड वाला. अगर आप नॉर्मल ले लोगे तो थोड़ा सस्ते वाले चीप वाले तो शायद से वो सपोर्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा हाई क्वालिटी का थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा. सो मैंने जो कार्ड लिया दैट इज सैंड डिस्क का, मैंने 64 GB का लिया. सो उधर से रशीद भाई की उधर से मैंने परचेस किया. तो वन मोर थिंग, अगर बारिश के टाइम में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि दिस DJI Osmo इज नॉट वाटर प्रूफ, तो इसके लिए आपको इसीलिए आपको लेना पड़ेगा वो दैट वाटर प्रूफ केस जो ये वाला केस है. सो दिस इज द केस फॉर विच यू हैव टू बाय सेपरेटली. तो एक और चीज गाइस कि अगर आप मेरे जैसा वाटर प्रूफ वाला ये केस लेना चाहते हो तो DJI क्रिएटर कॉम्बो आपको किधर भी मिल जाएगा पॉकेट टू का क्रिएटर कॉम्बो, बट उसका वाटर प्रूफ एसेसरी जो एक्स्ट्रा परचेस करते हो वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है. क्योंकि कल मैं जहाँ से लिया रशीद भाई के पास उनके पास भी एक ही स्टॉक में तो मेरे को लकीली मिल गया. सो एक और जन था उधर जिसने ये क्रिएटर कॉम्बो लिया बट उनके पास अवेलेबल नहीं था वाटर प्रूफ केस. उन्होंने लिया क्रिएटर कॉम्बो बट इट वॉज नॉट देयर ऑफ द वाटर प्रूफ केस. सो जब भी आपके उनसे भी शॉप से ले रहे हो DJI Osmo Pocket 2 तो क्रिएटर कॉम्बो इजीली मिल जाएगा, बट ओनली यू हैव टू फर्स्ट इंक्वायरी वेदर दे हैव द
waterproof case or not. So that's it with today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, share this video, subscribe to my channel, and please press the bell icon. If you don't like it, you can hit the dislike button too. Till then, stay safe, stay happy, spread happiness, and do whatever makes you happy. Thank you so much for watching till here. And if you haven't followed me on my social media handle, do follow me on my social media handle. This is my ID here. So I'll catch you in my next vlog with a lovely Pocket 2 vlog. Thank you so much, guys. हेलो, अभी हम लोग ओस्मो पॉकेट 2 का माइक चेक कर रहे हैं. इसका आवाज़ आप लोग व्लॉग में सुन सकते हैं, अभी इसमें जगह नहीं है सुनने के लिए. ठीक है, इसका क्वालिटी के बारे में बताओ, माइक कैसा है डीजे का? अभी डीजे का डबल माइक भी आने वाला है. दो रिकॉर्ड हो रहा है.